खापरखेड़ा स्थित महाराष्ट्र विद्यालय व जूनियर साइंस कॉलेज की 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले पूर्व छात्रों ने 32 साल बाद फिर से अपनी पुरानी यादें ताजा की है। स्कूली जीवन के दोस्तों ने नए साल में मिलने का फैसला किया है। हाल ही में भारत वर्षा नेचर फार्म में एक दोस्ताना बैठक का आयोजन किया गया। जब अकादमिक जीवन के पूर्व छात्र मिलने के लिए उत्सुक थे तो आयोजकों को समायोजित करने के लिए बड़ी कसरत करनी पड़ी। सभी लोगों ने अपना कीमती समय स्कूल के पुराने दोस्तों से मिलने और उनसे बॉन्डिंग सेशन के लिए निकाला। खासकर ज्यादातर महिलाएं डॉक्टर, पुरुष इंजीनियर, वकील, इसके अलावा कुछ छात्र पेशेवर हैं, कुछ सरकारी तो कुछ प्राइवेट कर्मचारी हैं। सभी छात्र अपने स्कूली जीवन के बारे में याद कर रहे थे और एक दूसरे के साथ चर्चा का आनंद ले रहे थे। साथ ही इस मौके पर सभी ने अपने विचारों को भी व्यक्त किया। इस समय पुरानी यादों के साथ वर्तमान स्थिति से अवगत होते हुए एक दूसरे का सहयोग करने का भी निर्णय लिया गया। स्नेह मिलन के अवसर पर स्कूली जीवन के विद्यार्थियों से रूबरू होने का अवसर था। बचपन की खुशी का प्रत्यय लौटते ही मन में खुशी का संचार हो गया, इसलिए पुरानी सभाओं का महत्व सामने आने लगा। कार्यक्रम में डॉक्टर हेमलता नांदुरकर, डॉक्टर माधुरी चांदेकर, सुनंदा मेश्राम, अनीता दर्ने, शुभांगी मेश्राम, हेमलता गोंडानी, वनीता सोमकुंवर, इंदिरा मेश्राम, श्वेता भंडारकर, श्रावण बाग, विनायक लकड़कर, सुरेश ठवरे, चंद्रशेखर फुलझले, संजय जुमड़े, सुधीर कड़बे, प्रकाश कजबीये, नरेंद्र दापुरकर, राजेश दुकाने, मनोज जामगड़े, श्वेता भंडारकर, आनंद महाजन, जानराव पाटिल, इंदिरा मेश्राम आदि लोगों की प्रमुख रूप से उपस्थित रही। NBC न्यूज के लिए खापरखेड़ा से कैमरा पर्सन सुशील सहारे के साथ दिलीप कजबीये की रिपोर्ट।